हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय अपवाह तंत्र की तीसरी नदी है। पहली नदी थी सिंधु नदी, दूसरी नदी थी गंगा नदी, और ये है तीसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सिंधु नदी और गंगा नदी के बारे में वीडियो बनाया है और वीडियो में आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आपने पहली दो वीडियो सिंधु नदी और गंगा नदी की नहीं देखी तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को भी देख लेना। तो नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग सिंधु नदी नहीं, गंगा नदी नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, तीन देशों से बहती है। उसके बाद इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि तिब्बत में जो मानसरोवर झील है, वहां से तीन नदियां निकलती है। पहली नदी कौन सी है, जल्दी से कमेंट करो। पहली नदी है ब्रह्मपुत्र, दूसरी नदी है सतलज, तीसरी नदी है सिंधु। सिंधु के बारे में भी हम लोग बात किए थे कि सिंधु नदी भी मानसरोवर झील से ही निकलती है। अब यार, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम तो तिब्बत से हुआ। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग, जांगपो और सांगपो के नाम से जाना जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये नदी। भारत में असम से घुसती है, और असम से प्रवेश करने के बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और तो और, इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, इंपॉर्टेंट है, दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले ये तिब्बत से आई, तिब्बत से फिर भारत के असम से अंदर आई, असम से भारत, फिर ये भारत से बांग्लादेश चली गई, और बांग्लादेश आने के बाद फिर ये बे ऑफ बंगाल में चली गई। तो दोस्तों, बांग्लादेश में ये गंगा नदी से मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गंगा नदी से मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इसको गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब ये बांग्लादेश में मिलती है, तो इस नदी को पद्मा के नाम से भी कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ब्रह्मपुत्र नदी की ये है कि ये नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, ये सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, पहली तीस्ता, फिर सुबनसिरी, कामेंग, मानस, दिबांग, लोहत, बराक और कापिली। ये सारी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अब पहली नदियां हैं तिस्ता। दोस्तों, ये तिस्ता का उद्गम सिक्किम में होता है, और ये सिक्किम से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, और फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। फिर अगला है लोहित नदी। दोस्तों, इसका उद्गम तिब्बत में ही होता है, और इसको तिब्बत में खून की नदी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। उसके बाद अगला है बराक नदी। दोस्तों, बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है, मणिपुर से ये मिजोरम, मिजोरम से फिर असम, और भैया असम से होते हुए बांग्लादेश में मेघना नदी में जाकर मिल जाती है ये बराक नदी। अब अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, गंगा से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरबन डेल्टा बनाती ही है। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही पाया जाता है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर आइलैंड, या फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सी नदी में स्थित है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जिसको हम लोग मांजुली द्वीप के नाम से भी जानते हैं, मांजुली द्वीप। और याद रखिएगा, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसमें नेशनल वाटरवे 2, भारत का नेशनल वाटरवे 2 भी पाया जाता है, और इसकी कुल लंबाई है 891 किलोमीटर, और ये असम से धुबड़ी से सादिया की ओर जाती है, और ये जो धुबड़ी और सादिया, ये असम में पड़ता है। तो ये नेशनल वाटरवे 2 भी पाया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही वीडियो का आनंद उठाइए। थैंक यू सो मच।